को बदलने का काम, एक ये वोटर को इन्फ्लुएंस भी शायद कर सकता है। सरपंच नकली जी ये बोल रहे हैं क्योंकि कि वोटर कहता है मेरा वोट क्यों खराब जाएगा। यूपी का आप एग्जिट पोल बता रहे हैं, यूपी के पहले तीन चरण का एग्जिट पोल क्या कह रहा है 26 सीटों को लेकर, वो अब आपको बताएंगे। तो 26 सीटों का मेगा एग्जिट पोल और यहां पर एनडीए को 22 से 25 सीटों का अनुमान। पहले तीन चरण में इंडिया को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, यह अनुमान न्यूज 18 का यह मेगा एग्जिट पोल है। और पहले तीन चरण 80 सीटें, 80 में से 26 सीटों का यह अनुमान है। और यूपी के पहले तीन चरण का यह एग्जिट पोल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 26 सीटों का जो मेगा एग्जिट पोल हुआ है, जो आकलन निकलकर सामने आया है, जो लोगों की राय निकलकर सामने आई, एनडी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं। 26 सीटों पर हुआ 22 से 25 और इंडिया को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल बता रहा है यूपी के लिए पहले तीन चरण का एग्जिट पोल। क्योंकि 7 चरणों में देश में चुनाव हुए और 7 चरणों में ही यूपी की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। और बिहार से भी आ रही है खबर, बिहार से भी आ रही है न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल जो है, इसमें बिहार की तस्वीर क्या बोल रही है। बिहार के भी पहले तीन चरण का ये एग्जिट पोल अभी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी आज वोटिंग थी। बिहार की 14 सीटें जो हैं, इसका मेगा एग्जिट पोल, बिहार का मूड क्या है, जनता ने क्या माना है, अनुमान क्या है। एनडीए को यहां पर 10 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए 16 में से 10 से 13 सीटें और इंडिया को 3 से 6 सीटें यहां पर भी मिल सकती हैं। पहले तीन चरण का यह अनुमान, यूपी का भी आपने देख लिया, बिहार में 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, बिहार में 39-1 का स्कोर कार्ड था पुनीत पिछली बार, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और इस बार अगर ये 14 सीटों के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को अगर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर एनडीए 10 से 13 पर। और अब बंगाल की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल के पहले तीन चरण का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। बिल्कुल, हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि बंगाल से क्या खबर आएगी, बंगाल से बताइए खबर। अच्छी वोटिंग रही है इस बार यहाँ पर, एनडीए को 6 से 9 सीटों का अनुमान पश्चिम बंगाल में। इंडिया का खाता नहीं खुलेगा, याद होगा आपको देश में 7 है, बंगाल में लड़ाई अलग लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर इंडिया को कुछ 0 बताया जा रहा है। बंगाल की 10 सीटों का मेगा एग्जिट पोल और बंगाल ने चौंकाया है। वोटिंग अगर पिछली बार का भी देखें वोटिंग परसेंटेज, तो बंगाल के लोग अच्छी वोटिंग करते हैं और इस बार भी बंगाल ने बहुत जमकर वोटिंग की है, खूब बाहर निकलकर खूब जमकर जोरदार वोटिंग देखने को मिली। लेकिन बंगाल में इंडिया का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया गठबंधन बाहर से समर्थन करेंगे बोल दिया ममता बनर्जी ने। तो पश्चिम बंगाल के पहले तीन चरण जो हैं उसका एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, 10 सीटों का ये मेगा एग्जिट पोल। और यहां पर क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, एनडीए को 6 से 9 सीटें, 10 में से 9 सीटें के आसपास, 6 से 9 सीटों के आसपास ये बात कही जा रही है। लेकिन इंडिया का खाता इसमें बंगाल में नहीं खुलेगा, ये बात निकलकर सामने आ रही है। अन्य जो है इनको 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, तो मिली जुली बात सामने आई, 3 से 6 और 6 से 9, 10 का ही आंकड़ा है। लेकिन कुछ वोटर्स जब निकलते हैं तो कई प्रकार की बातें होती है, उसी के आंकलन पर हम ये बातें बता रहे हैं, हम ये डेटा बता रहे हैं। 4 तारीख को तस्वीर सामने होगी पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर मतदाता बहुत जागरूक दिखा, सजग दिखा, सतर्क दिखा, इसीलिए वोट डालने के लिए पहुंचा। और आज भी वहां पर वोट डाले गए हैं उन सीटों पर जो कहा जाता है कि ममता बनर्जी का गढ़ है। और पश्चिम बंगाल के इसीलिए ये मेगा एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है पहले तीन चरण में बंगाल की 10 सीटों को लेकर एनडीए को 6 से 9 सीटों का अनुमान है। बिल्कुल, दीदी के गढ़ में बंगाल से खबर आ रही है। और देखिए मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की तस्वीर तो हम दिखा भी चुके हैं। बिहार के पहले तीन चरण 14 सीटें और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पहले तीन चरण 26 सीटें। और हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे और उनसे भी हम बात करने वाले हैं कि क्या उनका ये तस्वीर जो आंकलन जो है निकलकर सामने आ रहा है, उनका क्या मानना है इस पर। रवि सक्सेना साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, पहले तीन चरण उत्तर प्रदेश से खबर आ रही और उत्तर प्रदेश से खबर आई कि 26 सीटों में से 25 सीटें तक जो हैं, 22 से 25 सीटें जो हैं एनडीए को यानी कि बीजेपी के पास जा सकती हैं और कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा यहां पर गेन कांग्रेस को पहले तीन चरण में नजर नहीं आ रहा है इस आंकलन के माध्यम से। इसलिए पहले हमने बहिष्कार भी किया था, हमें मालूम है कि आप इसी तरह के आंकड़े दिखाने वाले हैं और इसी तरह की आपके स्पेकुलेशंस आएंगे।
निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं अगर आप इतने अच्छे आंकड़े दिखा रहे हैं एनडीए के लिए, तो आप अपनी जो आपका काम है उसके प्रति आप वफादारी दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही करना चाहिए क्योंकि यही आपको टास्क दिया गया है और इसी टास्क पे आप काम कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 10 में से 9 सीटें उनको मिल रही हैं, तो आपको भी बधाई और एनडीए को भी बधाई। और यूपी में भी अगर आप कहते हैं कि उनको मैक्सिमम सीटें मिल रही हैं, तो आपको भी बधाई और उनको भी बधाई। बिहार में, और बिहार में तो आपने कमाल ही कर दिया है। तो बिहार, बंगाल, यूपी सब जगह अगर वही काम हो रहा है सर, और बिहार में तो 3 से 6 उनको दे दिए, इंडिया गठबंधन को दिखा रहे हैं। बिहार में 3 से 6 इंडिया गठबंधन को दिखा रहे हैं हम 14 सीटों में से। सुनते लीजिए। और अगर आपने दक्षिण में भी उनका परचम इस तरह से लहरा दिया है तो आप बधाई के पात्र हैं। हम तो कह रहे हैं ना, शानदार काम किया है आपने, जबरदस्त काम किया है, और आपने जो काम, आपको जो टास्क दिया गया था उस टास्क पर आप खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। पर मेरा आपसे अनुरोध है 4 तारीख का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि जो आपको टास्क दिया था उस पर आप कितने खरे उतरे हैं। शर्मन नगेले जी ने कहा ये जो काम है ये काम केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने का है, स्पेकुलेशन से आप अपने मनमाफिक रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं पति भी अपनी पत्नी को नहीं बताता है कि उसने किसको वोट दिया, और लोग आपको अभी रिजल्ट, अभी मतदान 5 बजे खत्म हुआ है और आपके पास रिजल्ट आ गए और आपने तो एकदम जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया कि एनडीए की सरकार बन रही जा रही है। रवि साहब, तो बहुत बधाई आपको इसी बात पर। रवि सक्सेना साहब, इसी बात पर मुझे 2 दिन पहले का ट्वीट याद आता है जो कि अभी कुछ देर पहले इसका फिर से जिक्र किया था। मुझे लग रहा था कि शायद बार बार इसका जिक्र करना पड़ेगा, अपना फिर से जिक्र करना पड़ रहा है। 332 सीटें आपने फाइनल सर्वे में दे दी, पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, कांग्रेस को बता देता है। ठीक है, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल है, बार बार ये कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल आ रहा है और बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को 0 से 3 सीटों के बीच का अनुमान है। रवि सक्सेना जी हालांकि इस पर भी नाराज ही होंगे, लेकिन देखिए ये अनुमान है। 4 तारीख को तस्वीर होगी, मिशन 29 को लेकर चली थी बीजेपी, लेकिन यहाँ पर 0 से 3 पर कांग्रेस आ सकती है 16 सीटों पर जीत का दावा। छत्तीसगढ़ के लिए 11 सीटें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की, छत्तीसगढ़ का क्या है, बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती है, यानी कि पिछला क्या रिपीट हो जाएगा। कांग्रेस को 0 से 2 सीटों का अनुमान है, पिछला भी कुछ यही था, 9 और 2 का था। न्यूज 18 का ये एग्जिट पोल है, #news18 एग्जिट पोल, बार बार हम ये कह रहे हैं एग्जिट पोल है, अनुमान है, लोगों से बातचीत की, लोगों ने क्या कहा उसको हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दोनों का डेटा आ गया जी। दुर्गेश केसवानी जी, देखिए अब यहां तो ये बात हो जाएगी ना कि जिसके हक की बात निकलकर सामने आती है वो मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराता है, गदगद हो जाता है और दूसरा मीडिया पर आक्षेप आरोप लगाने लगता है। लेकिन खैर इससे परे होकर केसवानी जी, एमपी की अगर हम बात कर लेते हैं, एमपी को लेकर जो आपका ये एग्जिट पोल तस्वीर बता रहा है, यहां भी मोदी मैजिक ही चला है क्या? अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो मैं जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं उनका सम्मान करता हूं, और निश्चित ही आप देखेंगे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, जो हमारे ये टैगलाइन थी, ये स्लोगन था हमारा, उसको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। हम देश की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया, और अभी आप 26 से 29 बता रही हैं, हम 29 पे ही रुकेंगे क्योंकि हमने जनता 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और जब हम जनता के साथ रहते हैं जनता हमें लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद देने का काम करती है, और हम इस बार मिशन 29 को लेकर